इस हफ्ते काफी सारे अपडेट्स हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे गाय रिची की जैसन स्टेथम लेड एक नई एक्शन फिल्म के बारे में, और इसके अलावा एमसीयू नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार डिज्नी प्लस के कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो सभी अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस हफ्ते मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से कुछ अपडेट्स और लीक सामने आए हैं, जिसमें एम्पायर ऑनलाइन ने एक नया फोटो रिलीज किया है स्पाइडरमैन नो वे होम का, और इस फोटो में डॉक ऑक चेस कर रहा है स्पाइडरमैन को। एक सोर्स के अकॉर्डिंग रूमर्स ये निकल कर आ रहे हैं कि नो वे होम का सेकेंड ट्रेलर हमें अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े तो एक इंटरव्यू में मार्वल स्टूडियोज के प्रोड्यूसर रह चुके विक्टोरिया अलोंसो ने ये रिवील किया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में करंटली 31 एमसीयू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है, जिसमें एमसीयू की आने वाली फिल्म्स और डिज्नी प्लस के सीरीज भी शामिल है। बात करें मार्वल स्टूडियोज के आने वाले फिल्म्स और सीरीज के प्रोडक्शन की, तो सैमुअल एल जैक्सन जो कि निक फ्यूरी का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि डिज्नी प्लस पर आने वाली सीरीज सेक्रेट इन्वेजन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के स्टार क्रिस पैट ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। What's up everybody, Chris Pratt here. I'm on the set of Guardians of the Galaxy Volume 3. This is day 1. That's why these फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने एडम वॉरलॉक के रोल के लिए विल पोल्टर को कास्ट कर लिया है, जिन्हें हमने इससे पहले वी आर द मिलर्स, द मेज रनर और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जैसे फिल्मों में देखा है। एक रीसेंट इंटरव्यू में इटर्नल्स के क्रिएटर ने इस फिल्म के रन टाइम और पोस्ट क्रेडिट सीन को कंफर्म कर दिया है। मार्वल स्टूडियोज के इटर्नल्स का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट का होगा, जिसमें हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेंगे, और ये दोनों क्रेडिट सीन्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे एमसीयू के फ्यूचर के लिए। इस हफ्ते हुलू ने ऑफिशियली मार्वल के हिट मंकी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये एक अडल्ट एनिमेटेड एक्शन सीरीज है, जिसे नेक्स्ट मंथ 17 नवंबर को हॉटस्टार डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। एमसीयू के इन सभी अपडेट्स के बाद आपको बता दें कि मार्वल की आने वाली फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, द मार्वल्स और एंट मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का रिलीज डेट चेंज कर दिया गया है, और आप इन नए रिलीज डेट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में टुडो इवेंट में रेड नोटिस का एक क्लिप रिलीज किया गया था, और अब नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 12 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की तरफ से काउबॉय बिबॉब का टीजर भी रिलीज किया गया है। ये एक लाइव एक्शन अडैप्शन है क्लासिक एनिमे सीरीज की, जिसके लिए अभी से काफी हाइप क्रिएट किया जा चुका है। ये एक एक्शन पैक्ड सीरीज है, जिसमें हमें 3 बाउंटी हंटर्स के बारे में दिखाया जाएगा। इस सीरीज का ओरिजिनल एनिमे सिर्फ 26 एपिसोड का था, जिसे 90s में रिलीज किया गया था। उसके बाद 2001 में इस पर फिल्म भी रिलीज किया गया, और अब इतने सालों बाद नेटफ्लिक्स पर ये 10 एपिसोड की सीरीज रिलीज की जा रही है, जिसे आप 19 नवंबर को देख सकेंगे। BFI लंदन फेस्टिवल के दौरान क्रिएटर स्टीवन नाइट ने ये कंफर्म कर दिया है कि पीकी ब्लाइंडर्स की एक फिल्म प्रोडक्शन में है, जिसकी शूटिंग 2023 से स्टार्ट कर दी जाएगी। इससे पहले वैरायटी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस सीरीज के 6th और फाइनल सीजन का मई में प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया गया था, और इस फाइनल सीजन को हम नेटफ्लिक्स पर 2022 में देख सकेंगे। लगभग 4 महीने पहले हमने कियानू रीव्स की फर्स्ट एक्शन कॉमिक बुक BRZRKR के एक लाइव एक्शन फिल्म के बारे में सुना, और अब इस फिल्म के क्रिएटर्स ने ये कंफर्म कर दिया कि नेटफ्लिक्स की ये फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है, और ये फिल्म एक आर रेटेड फिल्म होने वाली है। माइक फ्लैनिगन की मिडनाइट मास नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, और नेटफ्लिक्स ने एक बार फिर से माइक फ्लैनिगन के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए डील कर लिया है। डेडलाइन की रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लैनिगन और नेटफ्लिक्स एक लिमिटेड हॉरर ड्रामा द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऑशर पर काम कर रहे हैं। ये सीरीज बेस्ड होगी लेजेंडरी ऑथर एडगर एलन पो के द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ ऑशर पर, जिसे 1893 में पब्लिश किया गया था, और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि नेटफ्लिक्स की हॉलीडे स्लेट रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें 28 नए फिल्म सीरीज और स्पेशल्स 1 नवंबर से देखने को मिलेंगे, जिसका एक स्पेशल वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सोनी पिक्चर्स की आने वाली फिल्म अनचार्टेड का टीजर ट्रेलर ऑनलाइन लीक कर दिया गया, और ट्रेलर के लीक होने के बाद ही इस फिल्म को ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। आपको बता दें कि टॉम हॉलैंड की ये फिल्म एक प्लेस्टेशन वीडियो गेम पर बेस्ड है, और इस ट्रेलर में हमें गेम के बहुत सारे सीन्स भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को थिएटर में अगले साल 18 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। Amazon Studios ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि हमें टॉम क्लैंसीज जैक रायन का 4th सीजन भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए एंट मैन के स्टार माइकल पेना को भी कास्ट किया गया है। अभी हाल ही में जैक रायन के 3rd सीजन के प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया गया है, और हमें जैक रायन का 3rd सीजन जल्द ही Amazon Prime पर देखने को मिलेगा।
एसटीएक्स फिल्म्स ने फाइनली अनाउंस कर दिया है डायरेक्टर गाय रिची की नई फिल्म जेसन स्टेथम लेड एक्शन स्पाई ऑपरेशन फॉर्च्यून। तो तैयार हो जाइए जेसन स्टेथम की एक और एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए, क्योंकि इस फिल्म को थिएटर में अगले साल 21 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। इंडिया में नेटफ्लिक्स के बाद हॉटस्टार डिज्नी प्लस ही है जो अपने इंडियन ऑडियंस के लिए अपने फिल्म्स और सीरीज को हिंदी में डब कर रहा है। और इस लिस्ट में एक और नई सीरीज ऐड होने वाली है, द बुक ऑफ बोबा फेट, जो कि स्पिन ऑफ सीरीज है द मैंडलोरियन की। इस सीरीज को डिज्नी प्लस पर इसी साल 29 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। द मैंडलोरियन की बात हुई है तो आपको बता दें कि इस सीरीज के सीजन 3 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा वैरायटी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिज्नी प्लस पर वांडा विजन के एक स्पिन ऑफ सीरीज डेवलपमेंट में है, जिसके लिए कैथरीन हाइन को कास्ट किया गया है, जो कि इस सीरीज में एगाथा हार्कनेस का रोल प्ले करेंगी। इसके साथ ही डिज्नी प्लस पर द मिस्टीरियस बेनेडिक्ट सोसाइटी के सीजन 2 को अनाउंस कर दिया गया है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन को काफी पसंद किया गया और नेक्स्ट ईयर से इस सीरीज के सेकंड सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिज्नी प्लस पर आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। नेक्स्ट मंथ डिज्नी डे पर, नेक्स्ट मंथ 12 नवंबर को डिज्नी प्लस पर कुछ फिल्म्स और सीरीज रिलीज किए जाएंगे, जिसमें ओलाफ प्रेजेंट्स, एक शॉर्ट फिल्म, मार्वल स्टूडियोज की शांग-ची, डिज्नी की जंगल क्रूज और होम स्वीट होम अलोन रिलीज किया जाएगा, जिसे आप हिंदी में भी स्ट्रीम कर सकेंगे। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया।